फडणवीस कह रहे थे बड़ा खुलासा करेंगे। फडणवीस क्या खुलासा करेंगे? फडणवीस साहब को पूछे कि आपके साथ जो सरकार में बैठे हैं ना आरोपी और गुनेगार, उनके बारे में बोलिए। ये जो कोई पकड़ा है उनका शिवसेना से कोई संबंध नहीं। आपके मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दादा भूसे, वो उस व्यक्ति को लेकर आया था शिवसेना में और बोल रहा था सर अपना एक खास आदमी है, हम उसको पार्टी में ला रहा हूँ। वो भाजपा में बीजेपी में जा रहा था लेकिन मैंने पकड़कर शिवसेना में लाया, ये बोलने वाला आदमी है। आप उसको शिवबंधन मानिए। तब से हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, ना कभी हमारे कभी वो शाखा में गया है। वो फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि वो शिवसेना का नासिक का प्रमुख था, बताइए कब था? वो तो हमारा बूथ का प्रमुख भी कभी नहीं था, कभी शिवसेना का मेंबर नहीं बना। फडणवीस साहब को बोलिए आपका इंटेलिजेंस जरा मजबूत करिए, नहीं तो हमास जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इंटेलिजेंस जरा मजबूत करिए। इसराइल को लगता था उनका इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, हमारे पर कौन हमला करेगा, लेकिन भाई हो गया सुबह सब कुछ फेलियर हो गया। तो आपको लगता है कि आपका इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है? नहीं, आपको कुछ पता नहीं है आपके पीछे क्या चल रहा है, आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। और बड़ी बड़ी बातें मत करिए, बड़ी बड़ी बातें मत करिए। हमें मालूम है आपके मन के अंदर जो तूफान है निराशा का, वो हमें पता है, हम आपको पहचानते हैं। दो दो नहीं एक ही है। दशहरा का जो मेलावा होता है, जो एक परंपरा है महाराष्ट्र की, जो शिवसेना की परंपरा है दशहरा मेलावा की, महाराष्ट्र में दो मेलावे होते हैं। एक नागपुर में आरएसएस का होता है, हमेशा संचलन होता है उनका, और यहाँ शिवसेना का होता है। अब डुप्लीकेट माल मार्केट में आया तो अभी किसी ने बोला मेरे आरएसएस है, मैं 10-20 लोग बाहर गए और अलग से कोई बनाएंगे और हमारा अलग संचलन करेंगे नागपुर के किसी गाँव में, तो क्या हम मानेंगे? नहीं। जो मोहनराव भागवत जी के नेतृत्व में जो संघ है उनका ही मेलावा और उनका ही संचलन हम मानेंगे। वैसा ही जहाँ ठाकरे जी है वहाँ शिवसेना है और उनका ही मेलावा होता है। एकनाथ शिंदे के पास कौन सा विचार है भाई, आप मुझे बताइए। उनको तो विचार लेना पड़ेगा, वो बिल्डर है उनका कोई आशर भाई, उनसे उनका विचार लेना पड़ेगा, वो विचार देगा हमको महाराष्ट्र को, विचार देंगे ठाकरे। दसरा इस बार तो पुणा से रोहित पवार की यात्रा भी निकल रही है दसरा से, वहाँ भी एक कार्यक्रम है, ये विचार है। लेकिन महाराष्ट्र में जो शिवाजी पार्क में जो होता है मेलावा, वो पूरा देश उसका पूरा ध्यान उस तरफ होता है, पूरा देश का इस बार भी होगा। तो ये डुप्लीकेट माल का ज़्यादा फिक्र मत करिए, आते हैं चले जाते, वो चाइनीज फटाके होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।